अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन कटलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन, नमक हसब ज़ायक़ा, हल्दी हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा पानी डालकर चिकन को 10 मिनट के लिए पका लीजिए और इसका पानी सुखा लीजिए। ये देखिए पानी पूरा सूख चुका है, अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। दो मीडियम साइज़ के आलू भी गला लीजिए। एक पैन लीजिए और उसमें हसब ज़रूरत ऑयल डाल लीजिए और एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई डाल दीजिए और उसको थोड़ा पका लीजिए और वो जो बोनलेस चिकन था ना उसके रेशे करके इसमें डाल दीजिए और उसमें मिक्स हर्ब और चिल्ली फ्लिक्स ये भी ऐड कर लीजिए। 1 टेबल स्पून मैदा और 1/2 टी स्पून गार्लिक पाउडर भी ऐड कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। जब ये अच्छी तरीके से भून जाए तो अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। इसी तरीके से दूध को भी पका लीजिए और दूध को भी सुखा लीजिए। जब दूध अच्छी तरीके से सूख गया हो तो उसको एक अलग बोल में निकाल लीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इन उबले हुए आलू को मैश कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से पूरे आलू को मैश कर लीजिए। अब इसमें हसब ज़ायक़ा नमक डाल लीजिए, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च डाल लीजिए और जो चिकन बना के रखे थे ना पका के वो इसमें डाल लीजिए और ये अंडे की जर्दी डाल लीजिए और हरी मिर्च 2 हरी मिर्च कटे हुई और हरा धनिया पुदीना डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये पूरा अच्छा मिक्स कर लेना इसको। 2 चीज़ स्लाइस डाल लीजिए और इसको फिर से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते ना फिर आप इसको ऐसा शेप दे दीजिए। ये देखिए इस तरीके से ऐसे शेप देंगे। इसी तरीके से हम पूरे कटलेट को शेप दे देंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम इस कटलेट की कोटिंग कर लेते हैं। इसमें मैदा है और ये अंडा है और ये ब्रेड क्रम्स है। तो सबसे पहले हम मैदे की कोटिंग कर लेंगे कटलेट को, फिर उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम की कोटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से मैं पूरे कटलेट को कोटिंग करके साइड में रख लूँगी। ये देखिए इस तरीके से पूरे कटलेट को कोटिंग कर लीजिए। अब एक पैन में ऑयल डाल लीजिए। जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके कटलेट्स को डाल देंगे। 2 से 3 मिनट होने तक कटलेट को ऐसे ही पकने दीजिए। जब 2 से 3 मिनट हो जाते तो इस तरीके से कटलेट को पलट लीजिए और हल्का ब्राउन कलर आने तक इसको ऐसे ही पका लेंगे। जब इस पर हल्का ब्राउन कलर आ जाता ना जब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कटलेट पे लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से पूरे कटलेट को फ्राई कर लीजिए। अगर आप और कोई रेसिपी देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूँगी। अब हम इसको निकाल लेंगे और गार्निश कर लेंगे। ये देखिए चिकन कटलेट बनके तैयार है। क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन कटलेट बनके तैयार है। आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।